नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर उन तमाम बड़ी खबरों पर जिन पर हमारी नजर आज बनी रहेगी। बात करते हैं पहली खबर की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। रांची के बीजेपी नेता ने निचली अदालत में शाह पर टिप्पणी करने की याचिका दाखिल। वहीं यूपी की सियासत में भूचाल ला देने वाला उन्नाव गैंग रेप का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के चाचा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक दिन की शॉर्ट टर्म बेल मंजूर की है, जिसके बाद उन्हें मृतक का अंतिम संस्कार के लिए उन्नाव लाया जा रहा है। बात करते हैं तीसरी खबर की, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आज देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। इसके तहत देश भर के 3 लाख से अधिक डॉक्टरों को अस्पतालों की ओपीडी में सेवाएं नहीं देंगे। एसोसिएशन का ये विरोध नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग बिल 2019 को लेकर है।